हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। और आज की इस वीडियो में आपको एक खास मंदिर के रहस्य के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, भारत के असम राज्य में स्थित माता कामाख्या के मंदिर के एक रहस्य के बारे में। वैसे तो माता कामाख्या के मंदिर में कई रहस्य हैं, पर आज मैं उन्हीं रहस्यों में एक रहस्य की जानकारी देने वाला हूं कि माता कामाख्या के मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए बंद होने का क्या रहस्य है, आखिर क्यों कर दिए जाते हैं माता कामाख्या के मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए बंद। माता कामाख्या के इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आइए हम सब मिलकर माता का ध्यान करते हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामेश्वरी। माता कामाख्या का मंदिर रहस्यों से भरा और सुंदर और भव्य है, तथा ये मंदिर आदिशक्ति दुर्गा के प्रमुख स्थानों में से एक है, जहाँ माता साक्षात निवास करती है। ये स्थान कई रहस्य और चमत्कारों से भरा हुआ है, जो भारत राज्य के असम गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ प्रतिदिन भक्तों की भीड़ की कमी नहीं होती है। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस मंदिर के चमत्कारों के कारण दर्शन करना चाहते हैं। इस मंदिर का रहस्य सुनने के बाद शायद आप भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इस मंदिर में वह शक्ति है माता कामाख्या की, जो यहाँ हर व्यक्ति के अंदर भक्ति जागृत करती है। दोस्तों, इस मंदिर में ऐसे रहस्यमय बातें हैं जो जानने के बाद आपको हैरान कर देने वाले हैं। इस मंदिर में माता कामाख्या की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है, बल्कि माता कामाख्या एक योनी रूपी शिला के रूप में पूजी जाती हैं। सभी भक्त उसी की पूजा किया करते हैं। यह देवी सती माता के 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस स्थान पर माता सती का योनी भाग गिरा था। यहाँ के भक्त कहते हैं कि जो भी इस मंदिर में पूजा करने आते हैं, कुछ दिनों में उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है और बड़ी से बड़ी दुविधा एवं बीमारी भी ठीक हो जाती है। कहा जाता है कि माता कामाख्या अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेती हैं। माता के इस पावन मंदिर में एक रहस्य है जो कि बहुत कम लोगों को ही पता है। हर साल माता कामाख्या के मंदिर में एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे अंबुबाची उत्सव के नाम से जाना जाता है। इस अंबुबाची उत्सव मेले के दौरान माता के मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। माता कामाख्या का मंदिर साल में 3 दिन बंद रखा जाता है। आइए जानते हैं माता कामाख्या का मंदिर 3 दिनों के लिए क्यों बंद रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन में माता का मासिक धर्म चल रहा होता है, जिसके कारण यह मंदिर 3 दिन तक बंद रखा जाता है। इन 3 दिनों में माता की मुख्य प्रतिमा से रक्त निकलता है, इसलिए माता की प्रतिमा को मंदिर के पुजारी जी द्वारा एक सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है और वह कपड़ा 3 दिनों बाद लाल रंग का हो जाता है। उसी रजस्वला रक्त वस्त्र को भक्त प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है और भक्त इस वस्त्र को अपने घर ले जाते हैं। इसके साथ ही माता कामाख्या मंदिर के सामने एक नदी है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। इन्हीं 3 दिनों में उस नदी का पानी भी धीरे धीरे लाल रंग का हो जाता है और पानी का कलर 3 दिन तक लाल रहता है। इसी वजह से मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और इन्हीं 3 दिनों में माता की पूजा और उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। इन 3 दिनों में दुनिया भर से श्रद्धालु भक्त और तांत्रिक साधक इस मंदिर में आते हैं। इस उत्सव को माता कामाख्या का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, जिसे अंबुबाची उत्सव के नाम से जाना जाता है। इन 3 दिनों में भक्त माता के मंदिर के प्रांगण में माता का ध्यान जप करते हैं और तांत्रिक साधक इन 3 दिनों में अपनी तंत्र क्रियाओं को सिद्ध करने हेतु अनुष्ठान करते हैं और इन 3 दिनों में भक्त केवल फलाहार रहकर माता कामाख्या की उपासना करते हैं और फिर 4th दिन मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फिर भक्त माता का दर्शन प्राप्त करते हैं। माता कामाख्या के मंदिर में वह चमत्कार है कि कोई भी व्यक्ति यहां से खाली हाथ लौटकर नहीं जाते हैं। ये सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है देवी कामाख्या। अगर आपके मन में भी कुछ भी पाने का है तो आप सभी लोग भी एक बार कामाख्या माता के दर्शन जरूर करें, माता आप सभी के मनोरथ पूर्ण करेगी। तो दोस्तों, ये है माता कामाख्या के मंदिर के दरवाजे बंद होने का रहस्य। तो दोस्तों, आगे भी आपको सभी देवी देवताओं तीर्थों प्राचीन मंदिरों से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या।